हे व्यूअर्स, आज हम लाए हैं सिमिलैक आईक्यू स्टेज 2 फॉर्मूले का रिव्यू। रिव्यू के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस फॉर्मूले को कैसे बनाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल मॉम एंड फैमिली को सब्सक्राइब करिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये है सिमिलैक आईक्यू प्लस स्टेज 2 फॉर्मूला। ये 6 to 12 मंथ बेबीज के लिए है। इनके इसमें स्टेज 1 भी है जो 0 to 6 मंथ के बेबीज के लिए है और स्टेज 3 भी है जो 12 प्लस मंथ बेबीज के लिए है। तो सिमिलैक इज मैन्युफैक्चर्ड बाय अबॉट न्यूट्रिशन। इनके 3 टाइप्स के फॉर्मूले हैं, देयर सिमिलैक, सिमिलैक एडवांस और सिमिलैक आईक्यू प्लस। तो जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि सिमिलैक एडवांस और सिमिलैक आईक्यू प्लस में क्या डिफरेंस है। तो अगर आप इसके ऊपर पढ़ें तो इस पे लिखा है कि इसमें DHA और नेचुरल विटामिन ई है जो कि सिमिलैक एडवांस में नहीं है। तो कोई भी फॉर्मूला जो हम बेबी के लिए लेते हैं उसमें DHA और AA होना, यानी कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सिमिलैक आईक्यू प्लस में ये है और सिमिलैक एडवांस में ये दोनों इन्ग्रीडियंट्स नहीं है। अगर हम मदर्स मिल्क की बात करें तो उनमें DHA यानी और AA दोनों, यानी ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दोनों ही इनफ क्वांटिटी में होता है। सो DHA इज ओमेगा 3 जो कि एक शिशु की आंख, दिमाग और नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बेबी की हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो AA है वो ओमेगा 6 है जो कि बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। AA जो है ओमेगा 6, वो बेबी की इम्यूनिटी यानी कि उसकी डिजीजेस से फाइट करने की कैपेबिलिटी को भी इंक्रीज करता है। तो ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स फॉर्मूले में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इस पर मेंशन्ड है, विटामिन ई, ये सिमिलैक एडवांस में भी है। ऐसा नहीं है कि सिमिलैक एडवांस में नहीं है, बट जो ओनली डिफरेंस है कि इसमें नेचुरली डिराइव्ड है। विटामिन ई सेम बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट यानी कि उनके दिमाग के विकास के लिए ज़रूरी है। तो ये था कि सिमिलैक आईक्यू प्लस में क्या डिफरेंट है सिमिलैक एडवांस से। अब हम बात करते हैं कि इस कंटेनर पर क्या क्या मेंशन्ड है। तो इस पे मेंशन्ड है कि ये 100% वेजिटेरियन है और इस पर मेंशन्ड है कि ये स्टेज 2 है तो ये 6 मंथ प्लस बेबीज को दिया जा सकता है। हर फॉर्मूले के कंटेनर पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट मेंशन्ड होती है। तो अब बात करते हैं कि इसका प्राइस कितना है। इसका प्राइस है 650 रुपीज और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 400 ग्राम्स। तो आप इसे Amazon से ले सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। मैंने इसे बिग बास्केट से लिया है। इस पर ये मेंशन्ड है कि आप ये जो स्पून फॉर्मूले के साथ आता है आप वही स्पून यूज करें बेबी का फॉर्मूला प्रिपेयर करने के लिए, कोई और स्पून का मेजरमेंट ना ले। और इस पर मेंशन्ड है कि हर फ्लूइड आउंस, यानी कि जब आप फॉर्मूला बना रहे हैं तो एवरी फ्लूइड आउंस यानी 30 ml वाटर में आपको इस फॉर्मूले का 1 स्कूप डालना है। इस पर ये मेंशन्ड है कि एक बार जब आपने फॉर्मूला प्रिपेयर कर लिया है और बेबी को आपने फीड करना स्टार्ट कर दिया है तो आप उसे 1 घंटे तक रख सकते हैं। अगर 1 घंटे से ज़्यादा है तो आपको उसे फेंकना है। और इस पर ये भी मेंशन्ड है कि अगर आपने फॉर्मूला बना लिया है बट आप उस समय बेबी को फीड नहीं कर पाए, बेबी ने उसे फीड नहीं लिया है, मतलब वो अनटच्ड है, तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं और विद इन 24 आवर्स आप बेबी को फीड कर सकते हैं। तो अब फॉर्मूला बनाने के लिए हमें जो 3 चीज़ें चाहिए, सबसे पहले हमें पानी चाहिए। तो आप पानी को उबाल लीजिए अच्छे से, 5 मिनट्स तक उसको अच्छी देर तक उबलने दीजिए और फिर जब वो ठंडा हो जाए यानी कि ल्यूक वार्म गुनगुना पानी हो जाए उसको आप किसी मिल्टन के जार में या किसी भी ऐसे फ्लास्क में भर लीजिए ताकि जब भी आपको बेबी का फॉर्मूला बनाना हो आप उस पानी को यूज़ कर सकते हैं, बेबी की बॉटल और फॉर्मूला। और हो सके तो आप किसी फ्लैट सरफेस पे फॉर्मूला बनाइए ताकि आप पानी को एक्यूरेटली मेजर कर सकें। तो आइए हम फॉर्मूला बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बोतल को ओपन करेंगे। मैं इसमें अभी 4 ounce पानी डाल रही हूं।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पर मेंशन्ड है कि हर आउंस यानी कि 1 आउंस 30 ml होता है, उसके लिए हमें 1 स्कूप डालना है। अब हम इसमें 4 स्कूप डालेंगे। आप लेवल करने के लिए ये साइड ऑफ द कंटेनर यूज कर सकते हैं या कोई बटर नाइफ यूज कर सकते हैं। फीड करने से पहले आप इसका टेम्परेचर चेक कर सकते हैं अपने हाथ पे डाल के। तो हमारा फॉर्मूला रेडी है बेबी को फीड करने के लिए। कई बार लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि जब हमने एक बार कंटेनर को खोल लिया है तो हमें उसे कितने टाइम तक हम यूज कर सकते हैं। तो वंस आपने एक बार कंटेनर खोल लिया है तो आप 1 महीने में इसको यूज कर लीजिए, और अगर आप नहीं यूज कर पाते तो आप इसे डिस्कार्ड करके दूसरा कंटेनर ले लीजिए। अगर आप अपने बच्चे को स्विच कर रहे हैं सिमिलैक एडवांस या किसी और फॉर्मूला से सिमिलैक आईक्यू पे, तो पहले आप एक कंटेनर खरीदिए और उसे अपने बेबी को फीड करिए। अगर वो उसे सूट होता है तभी आप और फॉर्मूला खरीदें। तो ये था हमारा रिव्यू सिमिलैक आईक्यू प्लस स्टेज 2 फॉर्मूले का। होपफुली आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मॉम एंड फैमिली।